इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि एक धुर जमीन का जो लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, यानी एक धुर जमीन का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है ये भी जानेंगे, और किस तरह उसको निकाला जाता है ये भी जानेंगे, और एक धुर का मान कैसे आप शॉर्टली एक बेसिक, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक चीज पे आप बेसिक नॉलेज के बेस पे आप कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में पूरे बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज आपको इस वीडियो में जानकारी में के रूप में दिया जाएगा। धुर का मान लघी के मान पे निर्भर करता है, अगर लघी का मान नहीं होता तो वो धुर नहीं बनता, धुर से कट्ठा नहीं बनता, अकट्ठा से बीघा नहीं बनता, नहीं धुर की बनता, नहीं धुर फुर्की बनता, नहीं कनमा बनता। इसलिए ये सभी चीज लघी के मान पे ही निर्भर करता है, इसलिए हर एरिया में अलग अलग लघी का मान चलता है, अलग अलग एरिया में। लेकिन यहाँ पे आपको हर लघी के बारे में बताया जाता है, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो यहाँ पे जो हम नॉलेज दे रहे हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे, ये नहीं प्रॉपर कि एक एरिया पे ही इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे जो चीज़ नियम है, हर नियम हम आपको बताते हैं, वो नियम वहाँ पे आप यूज करते हैं और एक शानदार तरीका से वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। देखिए तो हम ले लेते हैं चार हाथ की लघी, ठीक है, क्यों? क्योंकि लघी से ही धुर बनता है, तो पहले तो धुर बनाएंगे। चार हाथ, सवा चार हाथ, साढ़े चार हाथ, पौने पाँच हाथ, पाँच हाथ, साढ़े पाँच, पौने छः, छः, सवा छः, साढ़े छः, सात, मतलब अनगिनत आप ले सकते हैं, अनगिनत नहीं बोला जाए, यानी आप चार हाथ से बारह हाथ तक ले सकते हैं, लेने के लिए बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन इतना हाथ तक आप लीजिए, इतना में आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हम चार हाथ की लगी से चार हाथ की लगी, ठीक है, लगी से क्या ज्ञात करेंगे, धूर ज्ञात करेंगे, धूर, ठीक है, तो धूर बराबर चार हाथ की लगी से धूर बराबर क्या होगा। देखिए चार हाथ की लगी है, यहाँ पे चार लिखा है तो चार लिख दीजिए, एक हाथ में 18 इंच होता है यानी डेढ़ फीट का होता है एक, ठीक है। तो आप सिंपल से दो तरीका से इसको कर सकते हैं, दोनों तरीका हम बता देते हैं। पहले बेसिक कि चार हाथ की लगी से, ठीक है, चार हाथ की लगी से आप धूर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है आपको धूर का मान होता है लगी स्क्वायर, तो लगी को आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी चार हाथ की लगी है इंच में, तो चार इंच में करेंगे तो एक हाथ में 18 इंच होता है, चार इंच में 18 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, अब जो आएगा वो इंच में आएगा, तो आपको पता है कि एक फीट का मान, हम फीट में इसको ले जाएंगे, एक फीट का, एक फीट में 12 इंच होता है, तो 12 से इसको भाग दे देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे तो मान निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी तरीका। देखिए 6 × 12 और 6 × 3 = 18, ये 2 से 2 कट गए यानी 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, ठीक है, 36 वर्ग फीट, वर्ग फीट में निकाल रहे हैं, क्या वर्ग फीट, 36 वर्ग फीट, ये जो निकला है वर्ग फीट में निकला है, क्या वर्ग फीट में, तो वर्ग फीट में निकल गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इसी में दूसरा तरीका हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, गौर कीजिए, देखिए चार हाथ की लगी है, ठीक है, एक धुर का मान किस प्रकार निकालेंगे, लगी स्क्वायर होता तो लगी को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए चार हाथ की लगी है, ठीक है, और एक हाथ में डेढ़ फीट होता है, क्या डेढ़ फीट, तो इसको डेढ़ से गुना करेंगे डायरेक्ट क्या चीज़ में हो जाएगा ये कन्वर्ट आपको फीट में, तो इसको स्क्वायर कर देंगे यानी लगी स्क्वायर, तो यहाँ पे गौर कीजिए 4 × 1.5 यानी ये 1.5 क्या है, एक हाथ की मान है, यानी अगर फीट में देखें तो एक हाथ में डेढ़ फीट होता है, इसलिए डेढ़ से गुना कर दिए यानी 1.5 से गुना कर दिए, तो ये चेंज हो गया, क्या चीज़ में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपको फीट में, ठीक है, तो फीट में चेंज पहले ही चेंज हो गया, अगर हम एरिया निकालते तो एरिया कभी स्क्वायर में निकलता है, तो लगी स्क्वायर होता है, तो ये लगी का मान निकल गया, इसको स्क्वायर कर देंगे निकल गया, इसको करेंगे ये 36 हो जाएगा, तो 36 वर्ग फीट, ठीक है, ये वर्ग 36 वर्ग फीट हो गया, ठीक है, ये 36 वर्ग फीट हो गया, इतना तक आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, तो एक धुर बराबर 36, एक धुर बराबर 36 वर्ग फीट, क्या
वर्ग फीट होता है, एक धुर बराबर 36 वर्ग फीट। इतना आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये 36 जो आया है, यहाँ पे लाइट के वजह से आपको दिखता नहीं होगा, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ को हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं, यानी एक धूर बराबर 36 वर्ग फीट। क्या वर्ग फीट, यानी स्क्वायर फीट या वर्ग फीट बोल लीजिए, दोनों बात बराबर ही है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे, लघुत्तम बेस में इसको सजा देंगे, दो से गुना करेंगे, दो से इसको लघुत्तम करेंगे, ठीक है, 18 हो जाएगा, फिर दो से इसको क्या करेंगे, दो से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 × 9, ठीक है, इतना आ गया। अब लंबाई चौड़ा क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो है, अगर एक धुर का प्लॉट है, क्या है, एक धुर का प्लॉट है, ठीक है, और ये आयतकार है, ठीक है, ठीक है। तो किस प्रकार इसको सेट किया जाएगा, देखिए इसका जो चौड़ाई जो है आप 4 ले सकते हैं, देखिए 2 × 4 दो को लीजिए, बाकी ये दोनों शेष बच जाएगा, तो वो लंबाई हो जाएगा, देखिए 2 × 4 तो 4 इसका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, 4 फीट क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, तो इसका लंबाई हो जाएगा 9 फीट, क्या हो जाएगा 9 फीट, ये आयतकार है, ठीक है, 9 फीट, तो 9 × 36 ऐसे भी, या आप इसको ले सकते हैं इस दोनों के 3 × 6 अगर 6 अगर मान के चलिए इसको अगर दूसरा प्लॉट भी लेंगे तो वर्गाकार में भी घुस सकता है, ठीक है, तो वर्गाकार में घुसेगा तो इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 3 × 6 ये दोनों को लेंगे, 3 × 6 ये 6 हो जाएगा, फिर 3 × 6 तो ये वर्गाकार हो जाएगा, यानी सब 6 हो जाएगा ये। इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं तो हम ले सकते हैं, अगर मान के चले और प्लॉट बनाना चाहेंगे तो देखिए कौन सा प्लॉट बनेगा, देखिए 2 × 4 × 4 = 12 तो इसको ये भी हो सकता है प्लॉट, ठीक है, ये आयतकार है, हो सकता है बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उस पर ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, प्लॉट हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लॉट है, ठीक है, तो ये देखिए 4 × 12 अगर ये लंबाई 12 होगा, ठीक है, तो चौड़ाई 3 हो जाएगा, तो 3 ये भी हो जाएगा फीट, ये 12 फीट, यानी सब फीट में है, क्या है, फीट में, फीट फीट, ये भी फीट लिखा है, यानी सब हो जाएगा इतना इतना फीट का, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगर मान के चलिए आपको दशमलव में लंबाई या चौड़ाई लेना है तो आप इस प्रकार भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना में इतना समझने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आगे बात कर, अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर यही चीज़ को लंबाई और चौड़ाई को अगर आपको अपना मन से रखना है लंबाई या चौड़ाई, तो उसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए एक धुर का जो मान है 36 वर्ग फीट है, क्या ये 36 है, नहीं दिखता होगा कोई बात नहीं, वर्ग फीट समझ लीजिए, 36 वर्ग फीट मतलब स्क्वायर फीट, ठीक है, 36 स्क्वायर फीट। अब इसको देखिए, आप मन चाहे जो भी आपको लंबाई या चौड़ाई रखना है आराम से क्या कीजिए आप, वो रखिए, और उसकी अगर लंबाई रखते हैं तो चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई रखेंगे तो लंबाई निकलेगा, अगर आपको अगर चौड़ाई निकालना तो चौड़ाई बराबर जो भी देखिए, जो चीज़ एक पकड़ेंगे दूसरा छोर निकल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए हम इसको कुछ भी निकालते हैं, अगर मान के चलिए हमको लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई अपना मन से रख लिए, ठीक है, चौड़ाई अपने मन से रख लिए और लंबाई मान के चलिए चौड़ाई हम रख लिए, ठीक है, चौड़ाई रख लेते हैं हम 4, ठीक है, 4 फीट रख लेते हैं, क्या 4 फीट, तो लंबाई क्या होगा, देखिए इस ट्रिक से आप जैसे जो भी चाहे दशमलव में हो जो भी हो आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 36 है, ठीक है, 36 है, अगर मान के चलिए आपको पूरी ज़मीन 36 है, आपको जितना लंबाई चौड़ाई रखना है, अगर लंबाई रखेंगे 4 तो ये चौड़ाई रखेंगे 4 तो लंबाई निकल जाएगा 9 × 36, ठीक है, तो ये जो 9 × 36 ये 9 जो निकल गया ये क्या निकल गया, लंबाई निकल गया, ठीक है, लंबाई 9। इस प्रकार अगर मान के चलिए आपको दशमलव में भी रखना है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर दशमलव में रखना है, अगर आपको
ये तो पूरा जमीन हो गया। अगर हमको रखना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डेढ़ रखना है चौड़ाई, क्या डेढ़ फीट, तो डेढ़ फीट रखना है तो देखिए किस प्रकार निकलेगा। दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे एगो दस आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप तीन से काटें, तीन पंचे पंद्रह, तीन एक तीन, तीन दूना छः, ठीक है, ये कितना है पाँच, पाँच दूना दस, यानी कितना आ जाएगा चौबीस, यानी चौबीस आ जाएगा, क्या आ जाएगा चौबीस, क्या आ जाएगा आपको चौबीस आ जाएगा। देखिए डेढ़ जब चौड़ाई रखें तो लंबाई चौबीस आ गया, चौबीस फीट। देखिए किस प्रकार इसको दशमलव उड़ा दिए, दस आ गया, तीन पंचे पंद्रह, तीन एक तीन, तीन दूना छः, अब पाँच दूना दस कट गया तो ये दो दूना चार, सॉरी चार बारह है, बारह दूना चौबीस आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेढ़ से जो इसको गुना करेंगे, अगर चेक करना है तो इसको इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे डेढ़ गुने चौबीस करेंगे, अगर इतना आ जाता है तो ये सही है, ठीक है। देखिए ऐसे ही देखिए, अगर गुना करते हैं अब चौबीस से तो इतना आ जाएगा, देखिए एक बार में हाफ इसको कर दीजिए ये छत्तीस आ जाएगा, कितना इस दोनों को गुना करने पे छत्तीस फीट आ जाती है, यानी ये सही है। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, दस आपको कोई भी एक मान आप दशमलव में तय कीजिए या आप बिना दशमलव जो भी आपको लेना है लीजिए। अगर लंबाई रखेंगे अपना मन से तो पूरे एरिया में अगर लंबाई से भाग देंगे तो वो क्या निकलेगा चौड़ाई, अगर चौड़ाई रखेंगे ठीक है जो भी पूरे क्षेत्रफल में अगर चौड़ाई से भाग देंगे तो वो लंबाई निकलेगा। ये एकदम बेसिक तरीका है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। इस प्रकार उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आया कमेंट करेंगे, अगर अच्छा लगा तो ये भी कमेंट में करेंगे गुड या कुछ ना कुछ वेरी गुड, या आपको खराब लगा क्या चीज़ लगा ओरिजिन के साथ करेंगे, जिसमें हम अपने आप में जो भी देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होता है, उस कमी को आप ही लोगों से हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि खुद को पता नहीं चलता सामने वाला जब जा तक ना बताए। तो आप उस चीज़ को बताइए, हम आपको वो चीज़ उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि कोई भी मेरे अंदर बुराई है, ठीक है। अगर कोई समझाने में कुछ हमको और इम्प्रूव करना पड़े तो वो भी हम करने के लिए तैयार है, जब आप बताएंगे तब। तो गाइड कीजिए हमको, अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप बताइए कि कौन से और तरीका से आपको हम समझा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोर्स करा सकते हैं, इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। और यहाँ पे जो करेंगे तो ये एकदम बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है आपको, जो ये भारत सरकार की वेबसाइट पे कोर्स अप्रूवल के साथ ऑनलाइन शो करता है। और गवर्नमेंट जॉब में जाइए, जहाँ जो जाना है या करियर बनाइए सब यहाँ से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, और कोई आपका इंक्वायरी है तो इस नंबर पे जो है आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कोर्स के डिटेल्स में, या बुक भी लेना चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं, और आपका सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों नंबर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।